सरकार के निर्देश के बाद इंदौर में भू माफिया ड्रग माफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्यवाही सतत जारी है, जिसमें कुछ और नई सूचियों को बनाया गया है और कुछ नए नाम चिन्हित किए गए हैं, जिस पर फिलहाल मंथन का दौर अभी जारी है। इस मामले में कलेक्टर लोकेश जाटव ने साफ कर दिया है कि माफियाओं का संरक्षण करने वाला पैसा ही उनके पास नहीं रहेगा तो वह पनप ही नहीं पाएंगे। यानी प्रशासन आर्थिक रूप से माफियाओं को पूरी तरह तोड़ने की कवायद में जुट चुका है। जिलाधीश ने साफ कर दिया कि जब तक माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद नहीं कर दिया जाता, तब तक प्रशासन की कार्यवाही अब नहीं रुकेगी। जाहिर है प्रशासन का सीधा निशाना माफियाओं की आर्थिक स्थिति को लेकर है। प्रशासन का मानना है कि एक बार माफियाओं की आर्थिक स्थिति टूटी, माफिया राज पूरी तरह खत्म हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि प्रशासन की यह कार्यवाही आने वाले वक्त में क्या रंग लाती है। सर्वप्रथम हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि जो हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर्स चिन्हित किए हैं, इसमें जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से माफिया के शक्ल में लोग काम कर रहे हैं उनको चिन्हित किया जाए, और उनके जितने भी बिजनेस एंटरप्राइज हैं या इनसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली संबंधित जो प्रॉपर्टी हैं या इनके घर हैं, उसमें जहाँ जहाँ भी वायलेशंस हुआ है उसको अभियान के रूप में लेके टारगेट करके कार्रवाई की जाए। कार्रवाई निरंतर जारी है। इनके सबसे इम्पोर्टेंट हमारा जो अभियान का जो अहम हिस्सा है कि इलीगल मनी का जो फ्लो होता है उस नेटवर्क को तोड़ने की आवश्यकता है, और जब तक कि हम उस नेटवर्क को क्रैक नहीं करेंगे, इनका धनबल और बाहुबल है, जब तक इसको हम लोग तोड़ेंगे नहीं, जब तक इनके हौसले पस्त नहीं होंगे, तो पूरा अभियान एक वेल प्लान स्ट्रैटेजी के तहत हम लोग उसमें काम कर रहे हैं, और अभियान जब तक के भूमि ऑफिस सफाई नहीं होता अभियान जारी है। आयोजक हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं, इनकी से एक जॉइंट मीटिंग हुई थी और उद्देश्य यही किया गया था कि किसी भी तरह की रैली की अनुमति नहीं दी जाएगी। दशहरा मैदान पे एक स्थायी कार्यक्रम किया जा रहा है जिसकी अनुमति जारी है। ऐसा कोई एप्लीकेशन भी नहीं आया है, जो आयोजक ने हमें आवेदन दिया है उसमें सड़क का कोई जिक्र नहीं है, और रैली का जिक्र ज़रूर है लेकिन मैंने स्पष्ट किया है कि रैली की अनुमति जारी नहीं की जाएगी। दशहरा मैदान में जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है सिर्फ उसी की अनुमति जारी की जाएगी। विवेचना में है और विवेचना के अनुरूप जो जानकारी सामने आई उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।